ये पूछे जाने पर कि क्या इलॉन मस्क इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने का प्लान कर रहे हैं, इलॉन मस्क ने कहा कि वो इंडिया में शुरू में अपने कुछ व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। अगर इंडियंस को ये व्हीकल पसंद आते हैं तो डेफिनेटली वो इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रैंड स्केल पर खोलेंगे। नितिन गडकरी जी ने इलॉन मस्क को ओपन इन्विटेशन दिया है कि वो इंडिया में आए और अपनी फैक्ट्रीज का सेटअप करें, और इसके लिए उन्हें जिस तरीके की भी सुविधा चाहिए वो बातचीत के जरिए उन्हें मिल सकती है। अब क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर का ओपन इन्विटेशन बहुत ही ल्यूक्रेटिव होता है, इलॉन मस्क ने भी हाथों हाथ केंद्रीय मंत्री से अपनी फैक्ट्रीज की शुरुआत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मांगा है, जिसका मतलब है कि इंडिया में टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटीज में छूट मिलने पर इंडिया में टेस्ला कार्स की कीमत काफी कम हो सकती है। अब क्योंकि टेस्ला की कार्स का अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस होता है, आप हमें बताइए दोस्तों कि किस प्राइस रेंज में इलॉन मस्क टेस्ला की गाड़ियों को लॉन्च करेंगे तो वो धमाका कर सकते हैं। बाकी शानदार जानकारी के लिए हमें लाइक जरूर कीजिए।